उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, तो यह प्रक्रिया है, उसके बाद फिर सदन रेगुलर चलेगा। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का चुनाव। झारखंड से एनडीए गठबंधन दल के आजसू पार्टी गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। इसी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए वही विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि सभी पार्टी अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। हमारे एनडीए गठबंधन की पार्टी में भी तैयारी चल रही है। सेशन शुरुआत है और अभी सभी नए सांसद जितने भी चुन के हैं सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और एक प्रक्रिया है, इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, तो यह प्रक्रिया है, उसके बाद फिर सदन रेगुलर चलेगा। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का चुनाव का प्रक्रिया है और टर्म पूरा हो रहा है झारखंड का, तो निश्चित है सभी दल के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जल्द हम समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। एनडीए की क्या उम्मीद है इस बार झारखंड में? एनडीए है, मजबूती के साथ है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सेशन शुरुआत है और अभी सभी नए सांसद जितने भी चुन के हैं सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और एक प्रक्रिया है, इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, तो यह प्रक्रिया है, उसके बाद फिर सदन रेगुलर चलेगा। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का चुनाव का प्रक्रिया है और टर्म पूरा हो रहा है झारखंड का, तो निश्चित है सभी दल के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जल्द हम समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। एनडीए की क्या उम्मीद है इस बार झारखंड? एनडीए है, मजबूती के साथ है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सेशन शुरुआत है और अभी सभी नए सांसद जितने भी चुन के हैं सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और एक प्रक्रिया है, इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, तो यह प्रक्रिया है, उसके बाद फिर सदन रेगुलर चलेगा। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का चुनाव का प्रक्रिया है और टर्म पूरा हो रहा है झारखंड का, तो निश्चित है सभी दल के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जल्द हम समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। एनडीए की क्या उम्मीद है इस बार झारखंड? एनडीए है, मजबूती के साथ है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सेशन शुरुआत है और अभी सभी नए सांसद जितने भी चुन के हैं सभी लोगों का शपथ ग्रहण होगा और एक प्रक्रिया है, इसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा, तो यह प्रक्रिया है, उसके बाद फिर सदन रेगुलर चलेगा। इसके अलावा झारखंड में विधानसभा का चुनाव का प्रक्रिया है और टर्म पूरा हो रहा है झारखंड का, तो निश्चित है सभी दल के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और जल्द हम समझते हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा। एनडीए की क्या उम्मीद है इस बार झारखंड? एनडीए है, मजबूती के साथ है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे।